बलवाल से अफसोसनाक खबर है, जहां पर नौजवान ने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए मुखालिफ को अदालत के अंदर कत्ल कर दिया। फरार होने की बजाय मुलजम ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। बलवाल में एडिशनल सेशन जज मलिक तनवीर अहमद की अदालत के सामने नौजवान कमर अनवर तारीख पेशी पर आया हुआ था कि बलवाल के ही रहायशी मोहम्मद आमिर ने इस पर पिस्टल की फायरिंग कर दी। कमर अनवर जख्मों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही जाँ बहक हो गया। मुलजम मोहम्मद आमिर फायरिंग के बाद जय वकुआ के करीब बैठ गया और पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। मोहम्मद आमिर ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि मकतूल कमर अनवर ने 2019 में इसके भाई को कत्ल किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने कमर अनवर को मौत के घाट उतार दिया। जुडिशियल कम्प्लेक्स में असला ले जाने के हवाले से मोहम्मद आमिर ने बताया कि यहाँ सिक्योरिटी सख्त होती है, इसलिए इसने रात 11 बजे जुडिशियल कम्प्लेक्स की दीवार से पिस्टल को अंदर फेंक दिया। पेशी पर आते हुए पिस्टल उठा लिया और फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस थाना सिटी ने मुलजम को हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया, जबकि मकतूल की नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया।